ठीक है। तो क्रिस्टल भी देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देते हैं, क्रिस्टल को भी चेक कर लेना, ठीक है। ये सारा डेड मोबाइल में देखना है आपको, अभी सीपीयू के और भी है ना, ठीक है। ये हमारा पावर का सेक्शन था, U201, और एक मेन वोल्टेज भी बनता है पक के बाद में, एलडीओ सेक्शन, क्योंकि हमारा एलडीओ इधर ही रहेगा, एलडीओ। ये चार जो देख रहे हैं आप लोग, ये चार्जर लगाने से बन जाते हैं ऊपर के वोल्टेजेस। अपने को इसमें और एक देखना है, ईएमएमसी के वोल्टेजेस, वीआईओ वोल्टेजेस 2.9 और 1.0, ये दोनों भी देखना है। और कुछ रैम के लिए, डीडीआर के लिए कुछ रैम के वोल्टेजेस है, ये भी देखना है, डी रैम, एस रैम, ये वाले सारे। ये VRF 1.2, यहाँ अंदर भी लिख देता हूँ, प्रोसेसर सीपीयू के रैम के लिए, अदर रैम के लिए, डी रैम के लिए, ये सारे वोल्टेजेस जो एस एलडीओ वाले सेक्शन में आते हैं। ये 1.8 सॉक का मतलब होता है सीपीयू, 1.8 वोल्ट जो कि सीपीयू को जाता है, ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, वी आई ओ 1.8 वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाली लाइन। और वी ई एम सी यहाँ पे 2.9 वोल्ट, और दूसरा बनेगा 1.8 वोल्ट, जिसको अपन वी सी सी क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वी सी सी बोलो या वी एम सी बोलो, एक ही बात है, वी सी सी, वी सी सी क्यू, ये तीनों वोल्टेज। अब आते हैं रैम के लिए, डी डी आर मतलब रैम, डी डी आर का मतलब होता है रैम, रैम के वोल्टेजेस भी चेक करना है। कैसे चेक करोगे आप, यहाँ पे सेलेक्ट करो, आगे जाओ, ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। एस रैम का सेक्शन है, ये सीपीयू है हमारा, सीपीयू में रैम के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, ये सीपीयू के लिए। तो सीपीयू के लिए, रैम के लिए जो वोल्टेजेस होते हैं हमारे, क्या क्या वोल्टेजेस रहते हैं, 1.2 वोल्ट, 0.6 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, ये आपको चेक करना है रैम के वोल्टेजेस। और मेमोरी है तो 0.9 वोल्ट बनेगा, ये MEM मेमोरी पूरा ही लिख देता हूँ, सीपीयू की मेमोरी के लिए। तो ये सारे चीजें चेक करना है आपको, वोल्टेज ये आपके ऑन, आप कोई भी मोबाइल में चेक करोगे सारे वोल्टेजेस बनेंगे आपके। करना क्या है आपको, पावर की को शॉर्ट करके रखना है, शॉर्ट करो या फिर पकड़ के रखो उसको, तो इतनी देर पकड़ के रख नहीं सकते, तो बेटर है आपका पावर की को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, याद रख लीजिए, तो ही बनेंगे। नहीं तो सिर्फ चार्जर लगाओगे तो वीपीएच बन जाएगा, और थोड़ी देर के लिए कुछ वोल्टेजेस बनेंगे, फ्लक्चुएशन करेंगे। इसीलिए क्या करना है, अगर ईएमसी नहीं भी रहेंगे तो ये सारे वोल्टेजेस बनना है आपको, विदाउट ईएमसी पावर की बट शॉर्ट करके रखना है आपको, ये सारे चेक करना है। पावर में और एक सेक्शन में जाते हैं, U201 बक सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, कंट्रोल में तो ये सारा है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, बक हो गया, एलडीओ हो गया। इसके बाद ये ऑडियो सेक्शन है, इसमें देखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको जाना है यूएफएस की तरफ, और यहां तक आपका सीपीयू पोर्ट बना लेना है। ये जो वोल्टेज चेक करें अपन, इतना सारा सही है तो सीपीयू आपका ड्राइवर लेगा, विदाउट ईएमएमसी चेक कर लो, ड्राइवर लेगा। अगर ईएमएमसी या यूएफएस लगा है तो वॉल्यूम अप डाउन पकड़ के चार्जर लगाना है, लैपटॉप में चेक करना है, तो आपका सीपीयू अपना मीडियाटेक का ब्रूम बोर्ड बना लेता है। नेक्स्ट ईएमएमसी का अब ये रैम है, और इसकी ईएमएमसी जो लगी है पीछे की तरफ लगी है यहाँ पर, इसका है U1501, तो डायग्राम में आओ, U1501। नेक्स्ट तो ये इसका ईएमएमसी है, ईएमएमसी में आपको दो वोल्टेजेस चाहिए, पहले ही लिखा दिया हमें 1.8, और दूसरा चाहिए 2.9, वीईएमसी के नाम से 2.9 वोल्टेज, जो कि अपन यहाँ लिख लिए, ये दोनों वोल्टेजेस ईएमएमसी के लिए। इसके अलावा ईएमएमसी में क्लॉक और कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्लॉक में हमेशा 0 ओम्स का रजिस्टर लगेगा, कमांड में हमेशा 10 के का रजिस्टर लगता है, ये भी यहाँ लिखा देता हूं मैं। सीएलके में लगेगा 0 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है, और सीएमडी में लगेगा 10 के का रजिस्टर, ठीक है, याद रख लीजिए। और कमांड में आपको 1.8 वोल्टेज भी आने चाहिए जो कि पावर आईसी से आते हैं, ठीक है, ये है हमारा। ये इसमें देखो, ये अगर क्लॉक का रजिस्टर निकाल देंगे ना तो एमएमसी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा सीपीयू और डायरेक्ट पोर्ट बनाता रहेगा। कभी आप फ्लैशिंग करना है या कभी पोर्ट बनाना है आपको, तो ये रजिस्टर हटा करके या इसको ग्राउंड के साथ हटा दोगे ना तो आपका सीधा पोर्ट बनाता रहेगा सीपीयू। कमांड की लाइन कभी शॉर्ट नहीं होना है क्योंकि इसमें 1.8 का वोल्टेज आता है, ठीक है, याद रख लीजिए। तो ये हमारा एमएमसी है और बाकी का ये डाटा की 8 लाइनें रहती है 0 से लेकर के 7, इनमें कभी भी शॉर्टिंग नहीं आना है, ये सीधा सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। मेमोरी कार्ड आपका 4 डाटा की लाइनों से कनेक्ट होता है। मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करते तो हम डीएमडीपी बोलते हैं, डाटा 0 डाटा 1, 2 डाटा से कनेक्ट होता है। और जब आईएसपी से आप कनेक्ट करते तो सिर्फ डाटा 0 कनेक्ट करते, वीसीसी वीसीसी क्यू लगाते, ठीक है, ग्राउंड लगाते, उसमें क्लॉक लगाते। लेकिन यहाँ पर ईएमसी हमेशा 8 पिनों के साथ कनेक्ट होती है, इसीलिए जल्दी से प्रोग्रामिंग होती है अगर निकाल के आप जियोफाई में जेटैक में लगा देते हो तो। ये सारा चीज ये ईएमसी का हिस्सा है। अब इसमें ईएमसी में इतना ही है, बाकी की सब लाइनें खाली है। रैम का देख लेते हैं, रैम लगा है सीपीयू के बाजू में। अब इसमें अलग है ना, इसलिए अलग देख रहे हैं अपन, बाकी नहीं तो दोनों में एक ही रहता है। U801 ये सारे ईएबी आईओ पिन्स रहते हैं, इंटरनल बस इनपुट आउटपुट, सारे सीपीयू के साथ कनेक्ट रहते हैं। इसका